Yes, so we have another rank holder, AIR 48, Naman Jodhani, All India Rank 48. So congratulations, Naman, AIR 48 के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो. And ये मेरा और दिव्या मैम का स्टूडेंट रहा है. And Naman, कहाँ से हैं आप? मैं तो सर हावड़ा से हूँ. हावड़ा मतलब कलकत्ता. कलकत्ता हावड़ा एक ही है. Yes. Yes. तो बताइए भाई, आपने जो AIR 48 स्कोर किया, सबसे पहले मैं दिव्या मैम के लिए पूछना चाहूंगा कि इनका ईएएस का क्लासेस आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. लाइक इनिशियली मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की थी, बट उस टाइम थ्योरी थ्योरी लग रहा था, लाइक सभी कुछ रटने का है, ऊपर से जा रहा होगा काला अक्षर भैंस बराबर. हाँ सर कुछ वैसा ही था. तो फिर मैंने मैम को ज्वाइन किया एंड जब फ्लो चार्ट्स मैम करा रही थी तो फ्लो चार्ट्स बहुत ही बढ़िया से दिमाग में एकदम घुस गया था कि परफेक्टली उसको करके आ पाए. एंड फिर इवन चैप्टर 5 भी है ना, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे. स्पेशली हाईलाइट अगर मैं बोलूं कोर्स का, तो दैट वाज चैप्टर 5. इट वाज फुली टेक्निकल. यस मैम. सो आई लाइक्ड इट अ लॉट बिकॉज मैम इंटरकनेक्टेड ऑल टॉपिक्स टुगेदर. सो the content got reduced as well and it got interesting. I always made sure ki jo repetitive topics hai na usko main you know chapter mein alag alag chapter mein kitni bar institute ne same topic repeat kiya hai. So I always tried to link those topics with the previous chapters as well taki student recollect kar sake because syllabus is already very lengthy and vast. Aur hum log ICI mat pura follow karte hain, kuch chhodte nahi hai. नहीं मैम ने तो ICI मैथ से ही पूरा पढ़ाया था, तो इट वाज लाइक कि पूरा होलिस्टिक कवरेज हो रहा. एंड व्हाट अबाउट द डिजिटल नोट्स, वो नहीं फॉलो किया था? आई आल्सो हां डिजिटल नोट्स पीपीटी वगैरह जो था एंड दोस ग्राफिक्स मतलब जो वीडियोस वगैरह मैम ने स्पेशली बनाया एनिमेटेड वीडियोस, दोस वर आल्सो इंटरेस्टिंग. यस यस ट्रूली ट्रूली आई एम आल्सो यू नो वेरी थैंकफुल टू दिव्या मैम कि EIS जो लैक कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, एक जबरदस्त एनिमेशन द्वारा प्रैक्टिकल अप्रोच द्वारा पढ़ाया जाए और इंस्टीट्यूट का पूरा मैट कवर हो, तो दिव्या मैम जो है ना उन्होंने इस गैप को फिल कर दिया है. और मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर EIS में ऑल ओवर इंडिया जो नंबर 1 रैंकिंग दिखाई देगा EIS में, वो दिव्या अग्रवाल मैम का दिखाई देगा. बिकॉज इतना ये एफर्ट डाल रही है और स्टूडेंट का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती है, इधर उधर का बात करके सीधा सीधा जो है पढ़ना है एंजॉय करके प्रैक्टिकली एकदम, ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल नोट्स, मतलब आई हैव सीन हर डूइंग ऑल दिस थिंग और जबरदस्त. सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू नमन. नमन मेरे को आप एक चीज बताना कि EIS जब आपने खुद से पढ़ा तो आपको मतलब जैसे यू नो EIS सब्जेक्ट को बहुत बदनाम किया हुआ है कि बहुत थ्योरेटिकल है, बच्चों मतलब बच्चे ऐसे रिटेन नहीं कर पाते, बट मैंने ट्राई किया. आई नो कि ये देखो इसमें है कि हमें चीजों को लर्न करना पड़ता है, बट मैंने ट्राई किया एक रिवोल्यूशन लाने का कि अगर आप चीजों को समझ कर पढ़ो तो आप रिटेन कर सकोगे, अपने आप चीज याद हो जाता है. तो क्या आपको ऐसा क्लासेस करते वक्त फील हुआ कि बहुत सारे ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो शायद हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बट हम लोग उसे जानते नहीं है? जैसे अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन ये सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे तो आपको पता है कि हम लोग आर्टिकल शिप ये सब में भी यूज करते हैं, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट. दैट इज व्हाई दे डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज उन्हें लगता है ये थ्योरी है. क्योंकि गलती इसमें मुझे ऐसा लगता है बच्चों का नहीं है, उन्हें ठीक से समझाया नहीं जाता है. सो दैट इज व्हाई दे एंड अप कंसिडरिंग दिस सब्जेक्ट एज थ्योरेटिकल एंड देन दे लुक हेट्रेड, दे डेवलप एन हेट्रेड फीलिंग फॉर दिस सब्जेक्ट. तो आप yes, मुझे मन बताओ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को बताओ कि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में कैसा है. यस मैम, एक्चुअली बिफोर जॉइनिंग योर क्लासेस मेरे मतलब मेरा दो चीज था जो मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा था. फर्स्टली कि जो नोशन EISSM के अराउंड बिल्ड हो गया था कि पूरा 500 पेजेस EIS बस रटना ही है उसको, लाइक 10 पेज रोज रटो, 20 पेजेस रोज रटो, वैसा चल रहा था. एंड सेकेंडली क्लास 8 में मैंने लास्ट कंप्यूटर पढ़ा था, लाइक 9 से मैं प्योरली कॉमर्स स्ट्रीम में था. तो एक मतलब वो हो जाता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एक तो पहले से ही मेरा वैसा माइंडसेट ही बना हुआ था कि इसको जैसे तैसे निकाल लेंगे, वैसा माइंडसेट था. एंड सेकेंडली जब मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था तो उस टाइम कुछ वैसा प्रैक्टिकली कुछ इसका एप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा था. इट वॉज लाइक कि बस मतलब एक सेंटेंस बना के रख दिया, वो सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या एप्लीकेशन हो रहा है एक्चुअली.
करेक्ट सो मैम वही क्लासेस के थ्रू जो एनिमेटेड वीडियोस वगैरह था एंड फिर आपने जब यूजेस बताया कि ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये फ्रेज का ये मीनिंग है एक्चुअल में, तो तब है ना थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आया जिसके वजह से मैं पेपर अटेम्प्ट कर जबरदस्त एंड नमन आपका AIR 48 आया. बहुत लोग पूछते हैं कि सर पूछेगा रैंक होल्डर लोग से उन लोग का सिलेबस कितना महीना पहले कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो आपका सिलेबस कितना महीना पहले कंप्लीट हो गया था एग्जाम्स के? सर मैंने लगभग 3-3.5 months लास्ट का रखा था रिवीजन के लिए, क्योंकि दो ग्रुप लेके चल रहा था, तो आई थॉट कि 3-3.5 months वुड बी नेसेसरी लाइक एक दो बार रिवीजन के लिए. तो एंड क्योंकि 6-7 months तक हम लोग 8 subjects के क्लासेस करते हैं, तो तब तक आते आते मतलब जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बहुत ही पीछे छूट जाते हैं, तो उसको वापस रिवाइज करने में इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. सो आई थॉट कि 3-3.5 months वर नेसेसरी फॉर मी टू रिवाइज. नहीं नहीं बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी था. एंड एग्जाम में जो 1.5 days मिलता है क्या उसमें रिवीजन पॉसिबल रहता है 1.5 days में? मेरे ख्याल से रिवीजन 1.5 days में तो हो ही जाता होगा. सर मेरे हिसाब से जो एग्जाम स्टार्ट होने के पहले का जो 15 days रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है सेट करने में टोन, जो हम लोग का एग्जाम का 15 days चल रहा है, क्योंकि जो एग्जाम का 15 days रहता है बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, लाइक इवन माइंड ही नहीं बॉडी भी पूरा बर्नआउट हो जाता है. जो मोस्टली जो लोग दो ग्रुप देते हैं लास्ट एग्जाम में आके उनको फील होता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, फिर वही है कि 15 डेज उसके पहले जितना कवर करके रख सकते हैं लाइक जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उनको पहले से कवर करके अगर रख ले, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इवन इंक्लूडिंग EISSM जो लेंथ है सिलेबस का इट्स नॉट ईजी टू कवर इट इन 1.5 days, तो जितना पहले से कवर कर लेते हैं वो 1.5 डेज में उतना इजी हो जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वी कैन स्ट्रेस मोर. आई एग्री एब्सोल्युटली. दिव्या मैम एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स? एक चीज और पूछना था, जैसे कि यू नो मैं भी शॉर्टकट्स देती हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि बच्चे बोलते हैं कि मैम शॉर्टकट दो. अगर मैं आपको हर एक टॉपिक का शॉर्टकट दूंगी EIS सब्जेक्ट में, आप प्रैक्टिकली ये चीज बताओ, आप एग्जाम के पहले शॉर्टकट्स को मेमोराइज करोगे कि कंटेंट को मेमोराइज करोगे? इज इट पॉसिबल कि शॉर्टकट से आप पूरे चैप्टर को लर्न कर लो? तो ये भी बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन प्लीज क्लियर करो ना मन. मैम एक्चुअली मेरे को जो लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो अब्रीविएशंस एक्रोनिम्स वगैरह जो शॉर्टकट्स हैं वो उसके लिए वर्क कर सकते हैं, पर हर चीज के लिए करने जाएंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी जो एक्रोनिम्स है वो भी उसमें मिक्स हो जाएगा. Correct. तो हाई चांसेस है कि एग्जाम में कुछ और ही याद आए जो मतलब होना चाहिए था. लाइक एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पूर्वी जो था जिसमें यूजर वेबसाइट इंटरनेट वगैरह लगता है, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने इंश्योर किया था मेरा जो वीडियो दिखाया था मैंने पूवी नाम इतनी बार उसको मतलब हाइप अप कर दिया था कि बच्चे चाह के भी उसे नहीं भूल सकते. जब भी ये वर्ड आएगा आपको याद रहेगा वो ई कॉमर्स के कॉम्पोनेंट्स का बात हो रहा है. यस मैम वो ई कॉमर्स के कॉम्पोनेंट, क्योंकि वो बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था एंड उसको लर्न करने में लाइक वो बहुत ही हेल्पफुल था. पर वहीं अगर हर टॉपिक के लिए देने लग गए तो ये जो पूर्वी का यहाँ पर जो एक सेट हो गया कि इस चीज के लिए है एंड मुझे ये याद रहेगा तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा एंड हो सकता है कि एग्जाम में याद नहीं है. Yes. चलो बहुत बढ़िया नमन, आपने सारे के सारे जो सक्सेस स्ट्रेटेजी अपने शेयर किए इस वीडियो में. हमने खास करके जो है दिव्या मैम जो है EIS को इतना ब्यूटीफुल बना रखी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो EIS से परेशान रहते हैं. एंड थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नमन, गॉड ब्लेस यू. एंड टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, दिव्या मैम का EISSM का EISSM मेरा मैराथन रिविजन सब आने वाला आपके लिए, टेंशन ना ली. और क्लैरिटी नहीं है then you can watch her demo videos, their YouTube playlist is full of the demo videos and you can marathon bhi aap dekh sakte hain, take a decision of yourself ki bhai agar concept clarity nahi hai to classes bhi le sakte hain. Chalo thank you, lots of love, take all care. The best Naman for your final level. Thank you so much. Bye bye.